लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने झारखंड के 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन इन 13 नामों में सिर्फ 3 ऐसे नाम हैं जो प्योर भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बाकी 10 नेता ऐसे हैं जो या तो दूसरे पार्टी से आए हैं या फिर भाजपा में दोबारा वापस गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस बदलती सियासत को थोड़े विस्तार से, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड से मैदान में उतारने वाले 13 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से गिरिडीह लोकसभा सीट सहयोगी आजसू पार्टी के लिए छोड़ा गया है। झारखंड में जिन नेताओं को लोकसभा के चुनावी समर में उतारा गया है, उन 13 उम्मीदवारों में से 10 ऐसे हैं जो दूसरे दलों से भाजपा में आए हुए हैं या फिर कभी ना कभी भाजपा को छोड़ दूसरे दलों में चले गए थे और फिर वापस लौटे। ऐसे में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह साफ दिखता है कि पार्टी की नीति और सिद्धांतों से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पीछे छूटते जा रहे हैं। झारखंड में भाजपा ने दूसरे दलों के नेताओं से प्रेम और अपने पर सितम बरसाया है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से 10 नेता हैं जिसे भाजपा ने अपनाया है। पर इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हम कौन कौन से 10 प्रत्याशियों की बात करने वाले हैं, और अगर चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर से लोकसभा के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए विद्युत वरण महतो की। इनकी गिनती 2014 से पहले कदावर जेएमएम नेता के रूप में होती थी। 2014 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने मोदी की लहर की नब्ज पहचान ली और तीर धनुष छोड़ कमल में सवार होकर चल पड़े। उसके बाद से वह भाजपा से सांसद रहे। उसके बाद आते हमारे ढुल्लू भैया जी। बागमारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो को भाजपा ने धनबाद से अपना सिटिंग सांसद पीएन सिंह का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। राज्य के बाहुबली राजनेताओं में से एक ढुल्लू महतो पहले झारखंड विकास मोर्चा में हुआ करते थे, जिन्होंने जेवीएम के सिंबल पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, और अब भाजपा में शामिल होकर बागमारा से विधायक भी हैं। और अब आते हैं कालीचरण सिंह। चतरा लोकसभा सीट से भी सिटिंग सांसद सुनील सिंह को बदलकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्र मंत्री रहने वाले कालीचरण सिंह ने भी 2 बार भाजपा छोड़ी है और जेवीएम में शामिल हुए और फिर वापस भाजपा में लौट गए। अब आते हैं हमारे संजय सेठ जी। रांची के सांसद संजय सेठ भी अपने राजनीतिक जीवन में भाजपा छोड़ चुके हैं। वह भाजपा छोड़ जेवीएम में चले गए थे और जेवीएम ने उन्हें केंद्रीय प्रवक्ता भी बनाया था। केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में भाजपा पर कई बार तीखा हमला बोलने वाले संजय सेठ ने बाद में घर वापसी की और 2019 में भाजपा के टिकट पर रांची से सांसद बने। इसके बाद आते हैं हमारे भैया ताला मरांडी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे ताला मरांडी को इस बार राजमहल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 में राजमहल से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाए जाने और प्रदेश अध्यक्ष रहते रघुवर दास सरकार की कई नीतियों का विरोध करने की वजह से बोरियों से उनका टिकट काटा गया था। अगर आप सोच रहे होंगे कि यह बोरिया क्या है, तो आपको बता दें यह झारखंड के साहिबगंज जिले का एक शहर है। यह विधानसभा क्षेत्र राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ऐसे में संजय सेठ आजसू पार्टी में शामिल हो गए थे और बोरियों से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी, और 2022 में वह वापस भाजपा में लौट आए और 2024 में राजमहल से लोकसभा टिकट भी पा लिया। अब बारी आती है गीता कोड़ा की। वही गीता कोड़ा जो मोदी के लहर में भी सिंहभूम लोकसभा सीट से 2019 में कांग्रेस का परचम लहराई थी, पर अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा इसी वर्ष कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई है, और भाजपा में शामिल होते ही भाजपा ने उन्हें सिंहभूम लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बना लिया है। अब बारी आती है मनीष जायसवाल की। हजारीबाग लोकसभा सीट से इस बार भाजपा ने सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। मनीष जायसवाल भी पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे। वर्ष 2011 में टेकलाल महतो के निधन के बाद खाली हुई मांडू विधानसभा उपचुनाव में मनीष जायसवाल ने झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर
चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहकर जेपी पटेल के हाथों पराजित हुए थे। 2013 में मनीष जायसवाल जेवीएम छोड़ भाजपा में शामिल होते हैं और 2014 के भाजपा टिकट पर हजारीबाग से विधायक बन जाते हैं। और अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मनीष जायसवाल को सांसद का टिकट दिया है। अब बारी आती है सीता सोरेन की। दूसरे दलों से आकर भाजपा में टिकट पाने वालों में से सबसे नया नाम दिसोम गुरु सीबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन का है। सीता सोरेन जेएमएम पार्टी की ओर से जामा के 3 बार विधायक रही थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव भी रही है, लेकिन 19 मार्च को वह अपने घर की पार्टी जेएमएम छोड़ भाजपा में शामिल हो जाती है और शामिल होते ही दुमका के प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए भाजपा ने अपने पूर्व घोषित उम्मीदवार सुनील सोरेन को बदल दिया। और वही सुनील सोरेन जो कितने प्रयासों के बाद 2019 में दुमका में सीबू सोरेन को हराया था, लेकिन पार्टी ने उसे उस तर्ज पर कदर नहीं किया और उनका टिकट काटकर सीता सोरेन को दे दिया। अब बारी आती है अन्नपूर्णा देवी की। भाजपा ने इस बार भी कोडरमा लोकसभा सीट से अन्नपूर्णा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रही अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हो गई थी और लालू प्रसाद के बेहद भरोसेमंद नेताओं में से एक अन्नपूर्णा देवी का भाजपा में जाना लालू प्रसाद और आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं था। दूसरे दल से आने के बाद भी अन्नपूर्णा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व की इतनी भरोसेमंद हो गई है कि उन्हें केंद्र में शिक्षा और राज्य मंत्री भी बना दिया गया था। अब आते हैं अर्जुन मुंडा जी। राज्य की नई पीढ़ी के युवा और वोटर को शायद कम ही पता होगा कि राज्य में कई बार भाजपा शासनकाल में मुख्यमंत्री की बगडोर संभालने वाले वर्तमान केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत झामुमो से की थी। संयुक्त बिहार में उन्होंने 1995 में जेएमएम के टिकट पर खरसावा से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और विधायक भी बने थे, पर उसी अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने खूंटी लोकसभा से टिकट दिया है। आप जिन उम्मीदवारों के बारे में सुन रहे थे, ये उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरे पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं या बीजेपी छोड़ दोबारा भाजपा में गए हैं, चाहे वह टिकट की बात हो या फिर किसी तरह की और कोई बात, लेकिन उन्होंने पार्टी दल बदल की थी, फिर भी भाजपा ने उन नेताओं को टिकट दिया। इसके बाद अब बारी आती है उन उम्मीदवारों की जो प्योर भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, तो उन नामों को भी आपको जानना जरूरी है जो पार्टी के लिए वफादार रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन से 3 उम्मीदवार हैं झारखंड में भाजपा ने 13 लोकसभा सीटों के लिए जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है उसमें से सिर्फ 3 नाम ऐसे हैं इसके बारे में कहा जा सकता है कि वह खाटी भाजपाई हैं या उन्होंने कभी दूसरे दलों के नेताओं के जयकारे नहीं लगाए हैं या दूसरे का झंडा नहीं ढोया है। इसमें सबसे पहले आते हैं आईपीएस अधिकारी और डीजीपी रह चुके पलामू के प्रत्याशी बीड़ी राम। बीड़ी राम ने अपनी सर्विस खत्म होने के बाद राजनीतिक जीवन भाजपा से शुरू किया, वहीं लोहरदगा से इस बार उम्मीदवार बनाए गए। इसके बाद आते हैं समीर उरांव जी। समीर उरांव भी ना दूसरे दल में गए और ना ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत दूसरे दलों से की। अब इसी कड़ी में जो तीसरी नाम आती है वह है गोड्डा से वर्तमान सांसद और भाजपा से गोड्डा के उम्मीदवार निशिकांत दुबे जी का। उनका राजनीतिक जीवन भी भाजपा के साथ ही रहा है। आईपीएस अधिकारी से राजनीति में बीड़ी राम और एक्सार ग्रुप के निर्देशक पद पर रहे निशिकांत दुबे की राजनीति में प्रवेश छोड़ दें तो सिर्फ समीर उरांव ही एक राजनीतिज्ञ हैं जो कभी दूसरे पार्टी में नहीं गए। झारखंड में भाजपा की राजनीति को लंबे दिनों से बेहद करीब से देखने वाले कुछ लोग कहते हैं कि चाहे जो भी चुनाव हो राजनीतिक दल के लिए जीत ही पहली प्राथमिकता होती है। भाजपा में पिछले दिनों दूसरे दलों के नेताओं का आगमन बढ़ा है। एक स्वाभाविक आकर्षण भाजपा नेतृत्व को भी बाहर से नेता लाने में दोहरा लाभ नजर आता है। उन्हें लगता है कि एक तो जनाधार वाले नेता को दूसरे दल से तोड़कर लाने में विपक्ष का जनाधार कमजोर होगा और भाजपा की ताकत बढ़ेगी। दूसरा यह कि कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को लगता है कि जाति और सामाजिक समीकरण को साधने के लिए उनके पास उस कद का नेता नहीं है जो उसे जीत दिला सकता है, तो बस क्या वह दूसरे दल से नेता लाकर उस कमी को पूरा करती है। ऐसा तो सभी पार्टियों में होता है, मगर इस बार के चुनाव में भाजपा कुछ ज्यादा ही फेरबदल करते नजर आ रही है। इसी फेरबदल को देखते हुए झामुमो के केंद्र प्रवक्ता ने कहा, झारखंड में बीजेपी का मतलब है बाहरी जनता पार्टी हो गया है। भाजपा में या तो बाहरी यानी दूसरी पार्टी के नेताओं को मौका मिलता है या फिर दूसरे राज्य के लोगों को।
उन्होंने कहा कि जनसंघ और अटल आडवाणी के समय से भाजपा समर्पित कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। तो इसी बयान पर भाजपा को बाहरी जनता पार्टी बताने वाले झामुमो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि महागठबंधन और जेएमएम अपनी चिंता करे, भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक ही लक्ष्य है, अब की बार 400 पार। राज्य की 14 की 14 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर पार्टी के एकक कार्यकर्ता समर्पित होकर कमल फूल खिलाएंगे यह तय है। तो आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी दल बदल कर इस बार झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने को तैयार है। तो शायद हो सकता है कि इन्हीं कारणों से उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 के पार, क्योंकि बीजेपी विपक्षी दलों के कदावर नेताओं को अपने में शामिल कर उसे टिकट भी दे रही है और अपने विपक्षी पार्टियों को कमजोर बना रही है। आपको क्या लगता है यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के और भी अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।